हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल से धार जिले की खबर। आज सरदारपुर जयस ने ग्रामीणों के साथ धार कलेक्टर महोदय एवं जिला पंचायत सीईओ को सौंपा ज्ञापन। 28 सितंबर को सन 2021 को 8 दिन का अल्टीमेटम देते हुए उग्र आंदोलन की दी थी चेतावनी। जल समस्या का निराकरण की मांग करते हुए सरदारपुर के जिम्मेदार अधिकारियों को सौंपा था आवेदन, लेकिन आज तक कोई काम या संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर धार कलेक्टर महोदय को सौंपा ज्ञापन। सरदारपुर तहसील के आनंदखेड़ी, दौलतपुरा, लैड गांव, मौलाना कटनेस, जौलाना, नयापुरा, बडवेली, करमदिया, रिंगनोद, गंगा तलाई, लाबरिया, देवगढ़, कचनारिया, हनुमंतिया, पदमपुरा, नरसिंह देवला, राजोद, रानीखेड़ी आदि गांव में आज़ादी के बाद अभी तक रोड नहीं बना। साथ ही इन गांव की विभिन्न समस्या सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा, रोजगार, वर्दा, पेंशन, विधवा पेंशन। आज किस उपलक्ष्य में धार कलेक्टर कार्यालय में आपने आवेदन दिया? सर्वप्रथम आपको चैनल को नमस्ते जोहार करता हूं और आज जो धार कलेक्टर महोदय और जिला पंचायत सीईओ को हमने जो मामला दिया, आपके चैनल ने भी विगत जो 28 तारीख सितंबर को जो आंदोलन सरदारपुर था उसका बहुत गंभीरता से उठाया था। हमने सरदारपुर तहसील की 7 से 10 पंचायत में जो आज़ादी के बाद रोड नहीं बना और अन्य गंभीर समस्या जैसे प्रधानमंत्री आवास, पेंशन का मामला, भ्रष्टाचार, उसको लेकर हमने 28 तारीख को सरदारपुर एसडीएम और जनपद सीईओ को ज्ञापन दिया था। पर आज दिनांक तक कोई संतोषजनक जवाब या कोई कार्य नहीं होने पर आज हम निराश होकर, दुखी होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा है। और जो सरदारपुर में जो अधिकारी उदारनिष्ठता, लापरवाही बरत रहे हैं उनको यहाँ से हटाने की मांग हम कर रहे हैं और इन लोगों को रोड की सुविधा दी जाए। और जो समस्या है, भ्रष्टाचार हो रहा है और जो शासन का ट्राइबल के नाम पर शासन जो हजारों करोड़ों रुपये बेचती है उसका लाभ ट्राइबल के लोगों को मिले, इसलिए हमने निवेदन दिया है और आवेदन दिया है। और साथ ही आज ही हम कलेक्टर साहब को ज्ञापन में लिख दिया गया है कि आप इस पर निर्णय लीजिए, हमको सुविधा ग्रामीणों को उपलब्ध करवाइए, अन्यथा हम मध्य प्रदेश के जय संगठन, भील सेना, भील प्रदेश, भीम आर्मी और तमाम सामाजिक संगठन को लोगों के साथ एक बड़ा आंदोलन करेंगे। या तो हम आंदोलन करेंगे या फिर हम हाईकोर्ट के दरवाज़ा खटखटाएंगे, ये हमारी प्लानिंग आज से ही चालू हो जाएगी। बहुत गंभीर समस्या है, शासन सरदारपुर का बिल्कुल सुन नहीं रहा है, इसलिए हम आज यहाँ पहुँचे हैं बड़ी संख्या। आपका नाम? अजय सिंह कामर, जय तहसील अध्यक्ष, सरदारपुर जिला धार।